अनिरुद्ध क्या हो गया? मैंने कहा था गाड़ी साफ करनी है, तो अभी छोड़ रहा है। क्या हुआ भाई सुबह सुबह? मैंने कहा था ना तुम्हें मेरी गाड़ी साफ कर भाई, अभी तक तो सो रहा है। क्या बज रहा हूँ भाई? अभी तो सुबह हुई है। क्या मतलब अभी सुबह हुई है? कोई भी काम तो ढंग से कर देता हूँ मैं, अभी कर देता हूँ भाई। चल चल चल, गाड़ी साफ कर। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्यों शोर डाल रहे हो? क्या हुआ भाई बताओ, क्या मसला है? मैंने कितनी बार कहा है मेरे मामले में दखल अंदाजी ना किया कर। मैंने इसको कितनी बार बोला है काम ये कर, मेरी गाड़ी साफ कर, इसने कोई ढंग से काम किया? अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझसे तो बड़ा है तो क्या है? मैंने बोला कि मेरे काम में दखल अंदाजी ना किया कर। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जा यार तू गाड़ी साफ कर, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। नूरिया इधर आ, पानी लेके आ मेरे लिए। कैसे गिरा ये गिलास? आपके भाई ने गुस्से में फेंका है। यार क्या करूं उसका, मैं क्या करूं? आप उसका इलाज करवाओ। यार वो सीधे मुंह बात नहीं करता, इलाज कैसे उसका करवाऊं? कैसे जाएगा मेरे साथ डॉक्टर के पास? आपकी नजर में कोई है अच्छा डॉक्टर जो इसके पास इसको मैं लेके जाऊं और ये ठीक हो जाए? हाँ एक बाबा है जो इस गुस्से का इलाज बड़ा बेहतरीन करता है। अच्छा हाँ चलो फिर इसको उसके पास ले चलते हैं। चलो ठीक है चलो। हाँ वो किधर गया भाई छोटा? हाँ भाई किधर गया है? वो इधर जमीनों की तरफ गया हुआ है। जमीनों की तरफ गया है? हाँ? चलो आओ तुम मेरे साथ चलो, उसका ना आज इलाज करवाते हैं। एक बाबा है, है? तो उसके पास ले चलते हैं इसके गुस्से के इलाज उसके पास। अरे क्या है? अरे बस हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, ठीक है ना? हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, ये बंद करो। हमारे पास एक बाबा है और जो तू गुस्सा करता ना उसका वो इलाज कर देगा, और तू ऐसा कर हमारे साथ चल उसके पास, ठीक है? चलो ठीक है चलो ले चलो। तो हम ना हम चलते हैं, इसके पीछे बैठ तू, ले चल आगे, और हम दोनों वापस ऐसे ऐसे आ रहे हैं पीछे। आप दूसरा मोटरसाइकिल उठा लो। हम मोटरसाइकिल उठा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल? आप सुनाए? ठीक है बैठो बेटा, पहले बैठ जाओ। बाबा जी हमारा एक मसला है तो हम आपके पास आए हैं। ये है मेरा छोटा भाई, इसको बहुत गुस्सा आता है ज्यादा, तो ये कंट्रोल नहीं करता, झगड़ा करता है बहुत करता है, तो मेहरबानी करके इनको ऐसा दम कर दे कुछ चीज कर दे, इसको गुस्सा ना आए। गुस्सा हराम है बेटा, क्यों करते हो गुस्सा? मैं क्या करूँ बाबा, जब मुझे तंग करते हैं पता नहीं क्यों हो जाता है, इतना गुस्सा आता है ना मैं अपने आप पे काबू नहीं पा सकता। अच्छा अच्छा इसका हल है मेरे पास। अच्छा बेटा तुमने कील और हथौड़ी ले लेनी है, और जब तुम्हें किसी इंसान पे गुस्सा आए तो तुमने वो कील किसी दरख्त में मारने हैं, और तब तक मारते रहना जब तक तुम्हारा गुस्सा कम ना हो जाए। बाबा मुझे नहीं लगता कि ये तेरा तरीका कामयाब हो जाए। बेटा तुम करो तो सही, फिर बाद में मुझे बताना। चलो ठीक है बाबा फिर हम चलते हैं। ठीक है क्या हुआ? आ जाओ चलें। आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा। हां जी बाबा जी क्या हाल है? तबीयत ठीक हो? हां जी ठीक आप सुनाओ। आओ बेटा बैठो। नो बेटा कैसे आना हुआ? बाबा जो आपने हम तरीका बताया था ना भाई वाला, उससे ना वो उस अब गुस्सा नहीं करता, कभी कभार उसे गुस्सा आता है, वैसे तो उसको गुस्सा नहीं आता, अब काफी बेहतर है पहले से। और भी बेहतर हो जाएगा बेटा, मुझे उसके पास ले चलो। चलो आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बैठिए जनाब बैठिए। सुनाओ तुम्हारा गुस्सा कम हुआ कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं गुस्से पे काबू पा लेता हूँ। जैसे आपने बताया था ना जब गुस्सा आए तो हथौड़ी और कील ये लेके मैं दरख्त के पास चले जाता हूँ, और उस हथौड़ी की मदद से मैं कील दरख्त में लगाता हूँ, जैसे ही मेरा गुस्सा ठीक होता है मैं वापस आ जाता हूँ। बस यही मैंने तरीका इस्तेमाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुस्सा ठीक हो गया। अच्छा वो दरख्त मुझे दिखाओ जहाँ पे तुम कील मारते रहे। जी आ जाओ चल। तो
ये वो दरख्त है बाबा जी, जब गुस्से में आता था और इस दरख्त में कील लगाता है। अच्छा, तो अब इस कील को निकालो। बस अभी मेरी बात सुनो। अब देखो बेटा, इस तरह ये कील के निशान, ये तो तुमने निकाल दिए हैं, लेकिन ये निशान अभी बाकी हैं। इसी तरह जब भी तुम गुस्सा करोगे और किसी से सख्त लहजे में बात करोगे, तो उसी तरह उनके दिल पर भी ये निशान पड़ जाते हैं। बाबा जी, मुझे समझ आ गई। आज के बाद मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूँगा।